हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज ये हमारे दूसरा ब्लॉग है आपका, इसमें बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे सूरज भाई का रिहर्सल करते समय इनका मोबाइल का डिस्प्ले ही चला गया, मोबाइल ही खराब हो गया, डिस्प्ले कोई शो ही नहीं कर रहा है। तो कैसा लग रहा है सूरज भाई, आपका मोबाइल खराब हो गया तो? ये यार मत पूछो यार, तुम लोग भी ना यार। तो आज सूरज भाई का हम लोग डिस्प्ले बनाने जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देख रहा है डिस्प्ले नहीं चल रहा है यार, क्या करूँ अभी बता, मम्मी बहुत मारेंगे। चलो बना के आते डिस्प्ले आज। तो आज इसका सच्ची में पैसा दोगे? चलो ले लिया, इसका डिस्प्ले आज बनवाने चलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं अपने सूरज भाई का डिस्प्ले लगवाने। तो हम लोग कलवा स्टेशन जा रहे हैं, पहले कलवा स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, उसके बाद थाने मार्केट जाएंगे, वहाँ पे डिस्प्ले लगाएंगे। अभी देखो सूरज भाई की नज़र पड़ चुकी है हमारे जिम खाना पे, जहाँ पे रोज़ हमसे कसरत करवाते हैं। अभी ये बिना एक दो पुशअप मारे तो जाने वाले नहीं है। ये देखो जा रहे अभी पुशअप मारने के लिए, अभी भी पीछे पीछे लेके जाते हैं हर सुबह सुबह। यहाँ पे सूरज भाई का पुशअप हो चुका है, पुलअप्स हो चुका है, अभी ये जा रहे हैं। अभी हम लोग सब चलते हैं कलवा स्टेशन के उधर। कलवा स्टेशन पे रोहित भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो सूरज भाई को कॉल आ चुका है, ये बहुत खुश हो चुके हैं रोहित भाई का नाम सुनते ही। ये देखो इनको दूर से ही रोहित भाई दिख गए, हाँ हेलो चालू हो चुका है। रोहित भाई मिल चुके हैं हम लोग को, और रोहित भाई से मिले, रोहित भाई इनसे मिले सूरज से, और हमसे बिना मिले चले गए। फुल टू इग्नोर मार रहा है रोहित हमें, मतलब भाव ही नहीं दिया टोला। अब भी देखो बोलने पे भाव दे रहा है, मतलब ये क्या है, ये है क्या, मतलब इग्नोर मार के पूरा जा रहा था। अभी देखो ट्रेन आ गया, अभी ट्रेन है तो हम लोग को भागना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी भागते हैं, फटाफट ट्रेन को पकड़ते हैं, वरना ट्रेन छूट जाएगा, फिर 10-15 मिनट हम लोग का वेट करना पड़ेगा। ये भाग रोहित भाग, सूरज भागो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बस ट्रेन छूटने वाली है, जल्दी से भागो भागो, ये लेडी सभा में मत घुसना। हाँ ठीक है चलो चलो अवॉइड किया लेडी सभा उसने, और ये अभी पकड़ लिए ट्रेन को, हम टाइम पे पकड़ लिए। अभी रोहित भाई, और ये देखिए हम लोग अभी थाने स्टेशन जा रहे हैं। तो हम आ चुके हैं थाने स्टेशन पे, अभी उतरने के बाद देखिए गर्दी हो चुका है, लाइन में एकदम लग चुके हैं सब उतरने के टाइम पे। तो थाने स्टेशन पे देखिए आते ही भीड़ एकदम पूरा प्लेटफॉर्म पे एकदम पूरा जाम पकड़ा है। हम लोग तो दोपहर में आए हैं तो थोड़ा कम है, वरना तो सुबह के टाइम पे और भी ज़्यादा रहता था। तो चलते हम लोग मार्केट अरब, तो हम लोग ब्रिज से नहीं जा रहे थे, ये सूरज का शॉर्टकट है। अभी पुलिस वाला देखेगा तो डंडा लेकर भगा गया, इसलिए दौड़ दौड़ के हम लोग जा रहे फटाफट की कैसे निकल जाए फटाक से। ये देखो दौड़ रहा है सूरज डंडा के डर से, ये शॉर्टकट में लेके जा रहे हैं एक दूसरे को। ये देखो कौन सी गली से हमको लेके जा रहा है ये। थाने मार्केट में बहुत बार भटकने के बाद यहाँ पे रोहित भाई को शौक पड़ गया कि एक घड़ी खरीदते हैं, तो उनके घड़ी में बार्गेनिंग चालू हो चुकी है कि ये पसंद है वो नहीं पसंद है, ये पसंद है वो नहीं पसंद है, ये कब से करके आधा घंटा टाइम पास करवा रहे हमसे, और पता नहीं कब तक ये पसंद करेगा घड़ी की नहीं करेगा। कभी स्टॉप वाले को बोल रहा कि ऐसा वाला दिखाओ, कभी बोल रहा वैसा वाला दिखाओ। इतने सारे ट्राई कौन करता है यार, ये एक घड़ी बस लेना था, इतना ट्राई, ये इसमें ये फीचर नहीं है, उसमें वो फीचर नहीं है। Thank you.
अभी इतने मुश्किलों के बाद, इतना ढूंढने के बाद अब रोहित को एक घड़ी पसंद आया। चलो वो ले लिया घड़ी हमने और फिर आ गए थाने के प्रभात गली में। डिस्प्ले का शॉप पे, यहाँ पे सस्ता डिस्प्ले मिलते हैं ये प्रभात गली में, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप है, तो आपको अगर आना होगा तो आइएगा ज़रूर थाने वेस्ट में प्रभात गली, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सारे सामान मिलते हैं और भी सस्ते से सस्ता। तो ये आ चुका है हमारा डिस्प्ले का स्टोर। इस पे पहले सूरज अपना मतलब सिम कार्ड उमकार्ड सब निकाल रहे हैं और फिर दुकान वाले से जा रहा पूछने के लिए। दुकान वाले को दिखा रहा है सूरज, ये लाइन में इतना वेट कर रहा है, इतनी भीड़ है कि अभी हमारा टर्न कब आएगा पता नहीं। लाइन में घुसा, फिर उसने डिस्प्ले वाले से पूछा तो डिस्प्ले वाले ने बोला कि इसको बनाने में 1900 रुपये लगेगा और इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग जा रहे हैं पहले गैलरी में दिखवाने के लिए कि देखते हैं गैलरी में कितना बोलता है और गैलरी में इसके ओरिजिनल पार्ट्स रहते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे 1900 में डुप्लीकेट बोला था डिस्प्ले लगाने के लिए। तो हम आ चुके हैं थाने वेस्ट में MI की गैलरी में जो फर्स्ट फ्लोर में पड़ता है। ये देखिए MI की गैलरी में हम घुस चुके हैं और सूरज और रोहित दोनों काउंटर पे जाके बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्या इसमें फॉल्ट है। तो यहाँ पे ये तो और भड़का लिया पूरा, बोल रहा है कि 5700 रुपये लगेगा। तो ये दाम सुनते ही सूरज बाहर आ गया और भाग गया, बोल रहा है कि डुप्लीकेट चला लेंगे दो दो बार, डुप्लीकेट साल में तीन तीन चार चार लगवा लेंगे हम लोग, एक टूटेगा दूसरा लगवा लेंगे। इसलिए वापस जा रहे हम लोग स्टोर की तरफ और वापस स्टोर पे आ गए हम लोग और यहाँ पे उसको बनाने के लिए दे रहे। तब तक इसने स्टोर वाले ने बोला कि अभी नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो शाम तक आना बनाने के लिए। तो डिसाइड कर रहे थे कि देना है कि नहीं देना है, देना है कि नहीं देना है, फिर आखिरकार फैसला हो गया कि चलो दे देते हैं, फिर आएंगे शाम को लेने के लिए। और सूरज भाई यहाँ पे सिम कार्ड और ये मुझे निकाल के दे दे रहे, सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड, और फिर हम लोग दे देते हैं तब तक लिए, फिर रात को हम लोग आएंगे वापस लेने के लिए। फिर हम लोग जा रहे हैं घर पे, यहाँ पे रोहित भाई को बाय बाय बोलेंगे कि वो शाम को अवेलेबल नहीं होंगे आने के लिए। 2000 years later. ये देखो हम वापस आ चुके हैं शाम को मार्केट में और थाने स्टेशन पे इतना भीड़ जैसे कि थाने मतलब बोलते हैं मच्छी मार्केट की तरह भीड़ हो चुका था हम पूरा। सूरज का डिस्प्ले के लिए हमने फिर से दुकान पे गए, फिर वो आधा घंटा रुकाया हम लोगों को, पता नहीं है सुबह से मोबाइल लेके रखा था, फिर इतना क्या टाइम पास किया उसने, अभी बना नहीं था उसका मोबाइल। आधा घंटा टाइम पास करने के बाद वो बना के बोला कि हाँ बना के दे रहा हूँ शाम में, फिर डिस्प्ले लगा के वो दिया हम लोग को। देखो सूरज भाई मोबाइल लेते ही खुश, एकदम खुश हम खुश हो चुके हैं। डिस्प्ले पहले चेक करे कि चल रहा है कि चल नहीं चल रहा है, पूरा सेंसिटिव है। ये देखो चलने लगा सूरज भाई का डिस्प्ले, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं, तभी भी चेकिंग करते करते जा रहे। तो हाय एवरीवन, अब इतना दौड़ धूप करने के बाद आखिरकार इसका डिस्प्ले लग चुका है, हम आ चुके हैं। बहुत परेशानी हुई डिस्प्ले लगाने में, बट इसका भी डिस्प्ले लग चुका है। दुकान वाले ने बोला है कि जब इसको 24 घंटे तक इसको मतलब ऐसे कवर वर लगा के रखेगा ताकि ये डिस्प्ले चिपक जाए अच्छे से। बट यार मेरे स्पीकर के लगा दिए यार, फिर से जाना पड़ेगा मुझे। इसका पता है एक प्रॉब्लम हो गया, जब डिस्प्ले लगा रहा था तो डिस्प्ले लगाते समय शायद स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से एक स्पीकर चल रहा दूसरा स्पीकर चलना बंद हो गया, तो फिर से मोबाइल की बैंड बच चुकी है इसकी। अभी देखते हैं आगे क्या होगा, पर इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आप हमारे साथ में बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।